आज आपको एक ऐसी चीज मैं दिखाऊंगा अपनी वीडियो के अंदर, शायद ही आपने देखी होगी, ठीक है, क्योंकि ये जो चीज मैं आप दोस्तों को दिखाने वाला हूं, ठीक है, नॉर्मली ये चीज देखने को नहीं मिलती, ठीक है। आपने वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो के अंदर जो भी सेटिंग चल रही है, ठीक है, वो आपने लाजमी देखनी है, और साथ साथ आप वीडियो देखें, और मैं कोशिश करूंगा आप दोस्तों को समझाने की। और ये जो चीज मैं दिखा रहा हूं, अभी मैं इसका नाम नहीं ले रहा हूं, ठीक है, जैसे ही आप वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं किस चीज के बारे में आप दोस्तों को बताना चाहता हूं या क्या दिखाना चाहता हूं। लेकिन मैं 100% ये बात कर सकता हूं, शायद बहुत सारे दोस्तों ने देखा भी होगा, लेकिन 100 में से 80% लोगों ने इस चीज को पहले नहीं देखा होगा, ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। वीडियो को पूरा वॉच करें, ठीक है। अगर वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लगे तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, आपको दिखाते हैं कि आज आप दोस्तों को मैं क्या दिखाने वाला हूं अपनी वीडियो के अंदर। तो जी प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपने पीछे देखा और जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है, ये है वो चीज़ जिसका मैं आप दोस्तों को बता रहा था, और पहले आपको दिखाया है कि इसकी क्या क्या सेटिंग, किस किस तरीके से जो है इसको ये कनेक्शन किया गया है, ठीक है। ये देखें, ये काफ़ी जो है ज़बरदस्त किस्म की वायर है, ठीक है। पहले जो है ये क्लिप एक लगाया गया था वायर के आगे। बहुत सारे दोस्त तो जानते होंगे जो हैवी केबल होती है, मोटी केबल होती है, उसका कनेक्शन करने के लिए ये वाले क्लिप का जो है इस्तेमाल किया जाता है। और जो मशीन चल रही थी पीछे, पंप कर रहा था एक दोस्त हमारा, मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाली मशीन, ठीक है, इस मशीन के साथ जो है इसको प्रेस कर दिया जाता है, और फिर जो है केबल जो है ना बड़े अच्छे तरीके से इसके अंदर जो है ना फिक्स हो जाती है, ठीक है। ये कनेक्शन किया है, 3 कनेक्शन होंगे इस जगह के ऊपर, ठीक है, 2 कनेक्शन कर दिए गए हैं और तीसरा कनेक्शन यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, ये मैं आप दोस्तों को बता दूं कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये देखें, ये जो वायर है ना, ये वायर है 150 mm की, ठीक है, मोटी केबल है, प्योर कॉपर के अंदर है, ठीक है। तो आप दोस्तों को मैं बताता चलूं कि ये क्या चीज़ है। वैसे तो आपने वीडियो के टाइटल में पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं अपने दोस्तों को बता दूं कि प्यारे दोस्तों, ये जो है ये है इलेक्ट्रिकल हीटर, ठीक है। और मैं इसलिए आप दोस्तों को बोल रहा था कि आपने नहीं देखा होगा, देखें कितना बड़ा है, ये देखें। तो प्यारे दोस्तों, आपने इस हीटर को देखना है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपने वाकई ही कभी इतना बड़ा हीटर अपनी लाइफ में देखा है, ठीक है, लाजमी कमेंट्स में मुझे बताना है, ठीक है। अभी इसके ऊपर कागज़ है, पन्नी है, अब अभी उतारेंगे तो फिर आगे भी आप दोस्तों को दिखाएँगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं अपने दोस्तों को बता दूँ, ये देखें, ये 2 पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। ये पॉइंट है, क्रेन का कुंडा यहाँ पे लगेगा, ठीक है, क्रेन के कुंडे के साथ इसको जो है ऊपर खड़ा कर दिया जाएगा। तो वो पोजीशन में भी ला के अभी आप दोस्तों को जो है, जैसे ही आगे वीडियो बढ़ती है तो वो आप दोस्तों को भी अभी जो है ना दिखाएंगे, ठीक है। ये इसका बैक साइड है, ठीक है, ये इधर जो है ना इसकी पोजीशन ऐसी बनाई गई है कि जब इसको खड़ा किया जाएगा तो फिर जो है ये कभी गिरे नहीं, इधर उधर नहीं हो। देखो देखो मेरे दोस्तों, कितना बड़ा हीटर है, ठीक है। ऐसे नहीं मैं बोल रहा था कि आपने अपनी लाइफ में इतना बड़ा हीटर नहीं देखा होगा। तो दोस्तों, वीडियो एंड तक देखनी है, आगे अभी इसकी पन्नी उतारने वाले हैं, तो वो भी सीन जो है आप दोस्तों को मैं ज़रूर दिखाऊंगा, ठीक है। वीडियो लास्ट तक आपने ज़रूर देखनी है, और इसकी कैपेसिटी कितनी है वो भी बताएंगे आपको। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को हमारी ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी होगी, और मैं यहाँ पे अपने दोस्तों को ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि यार हमारे चैनल को विज़िट करें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप दोस्तों के देखने वाली हैं, ठीक है। और एक चीज़ ये है, दूसरी यार हमारे चैनल को जो है आप दोस्तों ने सब्सक्राइब लाजमी करना है, ठीक है। बहुत सारे दोस्त वीडियो देखते हैं चले जाते हैं, चैनल को फॉलो नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते, ठीक है। तो आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वाली वीडियो हमारी वॉच कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करेंगे, ठीक है दोस्तों।
तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप दोस्त देख रहे हैं कि इस हीटर की अभी पन्नी जो है उतार दी गई है, इसको बिल्कुल खड़ा कर दिया गया है, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। और यहाँ पे मैं आप दोस्तों को बता दूं, आपने अक्सर हीटर देखे होंगे जिसके अंदर नॉर्मली स्प्रिंगों का इस्तेमाल किया गया होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ये देखें, लोहे की बहुत मोटी पट्टी का इस्तेमाल किया गया है। जब इसको पावर मिलेगी तो ये पट्टी जो है गर्मैश जो है हीटर जैसे गर्मैश पैदा करता है, तो ये पट्टी वो काम करेगी, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे मैं आप दोस्तों को एक बात बोल दूँ कि अगर आपने वाकई ही इतना बड़ा हीटर अपनी लाइफ में देखा है तो ठीक है, अगर आपने इतना बड़ा हीटर पहले नहीं देखा तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब लाजमी करेंगे, ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे मैं आप दोस्तों को बता दूं कि इसकी जो हाइट है, ठीक है, इसकी जो लेंथ है, कम से कम 13 से 14 फुट इसकी जो है ना लेंथ बनती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्तों आपको अपने इस बाइक की छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आप दोस्तों तक मैंने शेयर की है वो पसंद आई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो दोस्तों, इसकी जो कैपेसिटी है 150 किलो वाट बनती है, ठीक है, 150 किलो वाट का ये हीटर है, ठीक है।